हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का मेकानिज्म कैसे चलता है, फूड के लिए, वाटर के लिए, तो यह एनसीईआरटी का पॉइंट है और हम लोग इसी का रिवाइज्ड नोट्स मेरे पास है, उससे हम लोग डिस्कशन करेंगे ये सारे पॉइंट्स पे। तो थोड़ा इससे हट के हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो बेसिक सी बात है कि ट्रांसपोर्ट किसी बैरियर के थ्रू ही होगा। इसके लिए कोई ना कोई चीज़ रेस्पॉन्सिबल होगा जो ट्रांसपोर्ट करवाएगा, या फिर फूड के लिए हो या फिर वाटर के लिए हो। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है हम लोगों को, तो ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, ट्रैफिक का सहारा लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे प्लांट्स में भी कोई ना कोई ट्रैफिक का मेकानिज़म होगा जो वाटर को कैरी करेगा, फूड को कैरी करेगा। तो दो तरह के प्लांट्स हैं, एक तो छोटे प्लांट्स हैं और एक बड़े प्लांट्स हैं। हाइयर प्लांट्स में कैसे होगा यह ट्रांसपोर्ट का मेकानिज़म और स्मॉलर प्लांट्स में कैसे होगा यह ट्रांसपोर्ट का मेकानिज़म, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग स्मॉलर प्लांट्स की बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्ट का मेकानिज़म जो होता है डिफ्यूज़न के थ्रू होता है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू। बट अगर यहीं हाइयर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम अलग एक वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि इन ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हायर प्लांट्स में। जाइलम क्या करेगा, क्या फंक्शन है जाइलम का, फ्लोएम का क्या फंक्शन है? तो जाइलम बेसिकली वाटर को कैरी करता है, फ्लोएम की बात करें तो फूड को कैरी करेगा। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपीरेशन की। तो ट्रांसपीरेशन जो होता है वह यूनिडायरेक्शनल होता है। यह टर्म जो है ट्रांसपीरेशन, यह वाटर के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ट्रांसपीरेशन किसका होता है, तो वाटर का होता है। रूट से शूट की ओर वाटर का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है और यह ट्रांसपीरेशन जो होगा ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होगा। वही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो में ट्रांसपीरेशन होता है और यह कौन करवाता है, जाइलम टिश्यूज होते हैं, इस फंक्शन को परफॉर्म करने वाले होते हैं जाइलम। और यह ट्रांसपीरेशन किस में होगा, तो सिर्फ वाटर के लिए ट्रांसपीरेशन टर्म को यूज किया जाता है, फूड के लिए ट्रांसलोकेशन टर्म को यूज किया जाता है। यह बाई डायरेक्शनल होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है एक लिप्स में होता है, पत्ती में होता है। पत्ती में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो वहाँ से जड़ के साइड में भी आएगा बनकर, और फिर अगर जो नीचे लिप्स है और ऊपर अगर जहाँ पे फूड का जरूरी है वहाँ से नीचे वाले लिप्स से भी ऊपर जा सकता है। तो ये बाई डायरेक्शनल फ्लो में होता है। ट्रांसलोकेशन जो है यह फूड के रिस्पेक्ट में टर्म यूज किया जाता है और यह ट्रांसलोकेशन बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है और यह फूड के रेस्पेक्ट में होता है। फ्लोएम टिश्यूज इसको परफॉर्म करवाते हैं। तो जाइलम के लिए टर्म आ जाता है वाटर, या वाटर के लिए टर्म आता है जाइलम। जाइलम जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, ज से जाइलम, ज से जल, और फ से फ्लोएम, फ से फूड। इसका अच्छा से याद करने का तरीका है कि आप ज से जल, ज से जाइलम याद रखें। जल का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम, और फ से फूड, फ से फ्लोएम। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो इस टर्म को याद रखना है कि ज से जाइलम तो जल का ट्रांसपोर्ट करेगा, फ से फ्लोएम तो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। बस सिंपल सी बात है ये। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो सबसे पहला है इसमें डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कि डिफ्यूजन बोला जाता है, और यह पैसिव होता है। पैसिव कहने का मतलब कि इसमें एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि डिफ्यूजन पैसिव होता है, पैसिव प्रोसेस है यह, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। फ्लो हायर टू लोअर मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर यह चढ़ेगा। जैसा सीढ़ी से, छत से अगर उतरना हो हम लोग को नीचे, फर्स्ट फ्लोर से अगर ग्राउंड फ्लोर पे आना हो तो क्या करते हैं, सीढ़ी की सहायता लेते हैं, सीढ़ी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो वही है डाउन हिल, यहाँ पे इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाउन हिल। तो ऐसे करके याद रखेंगे कि डिफ्यूजन जो है पैसिव प्रोसेस है, पैसिव मतलब कि रिक्वायरमेंट एनर्जी का नहीं होता है। यहाँ पे फ्लो जो होता है वह कैसे होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे हम लोग एक मंजिल से हम लोग नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो एक सीढ़ी के सहायता से आते हैं, तो वो फ्लो हायर टू लोअर हो गया।
या डाउनहिल इसको बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डाउनहिल मूवमेंट है। अब यहां पे एक एग्जांपल लिया गया है, दो जार है ए और बी, तो इस जार के थ्रू हम लोग समझेंगे इसका एग्जांपल कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता कैसे है। तो यहां पे जार ए जो है, इस जार में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, और जार बी में कम मॉलिक्यूल्स है, तो डिफ्यूजन किस तरफ होगा। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन ही है हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। तो यहां पे जो हायर डिफ्यूजन प्रेशर जहां पे है, जार ए में क्या है, हायर डिफ्यूजन प्रेशर है। क्यों? क्योंकि यहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है और यहां पे कम मॉलिक्यूल्स है, तो लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। तो जब भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा तो वो हायर से लोअर की तरफ होगा, और यह बीच में जो है यह क्या होगा, तो यह है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू यह प्रोसेस होता है, हायर से लोअर में मूव करेगा। यहां पे लिखा गया है डीपी, मतलब कि डिफ्यूजन प्रेशर, तो यहां पे हाई है डिफ्यूजन प्रेशर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन है, और यहां पे डीपी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर लोअर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन है। तो यहां पे हाई डिफ्यूजन प्रेशर और यहां पे लो डिफ्यूजन प्रेशर है, तो हाई से लो में मूव कर रहा है। अब डिफ्यूजन के साथ कुछ टर्म एनसीईआरटी में यूज किया गया था, वह है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। एनसीईआरटी में यहां लिखा हुआ है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम, तो बात वही है, इंडिपेंडेंट बोल ले या नॉट डिपेंडेंट बोल ले। तो यह डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वह लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है लिविंग सिस्टम पर। डिफ्यूजन होता क्या क्या चीज में, तो गैस में होगा, लिक्विड के साथ डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, तो गैस और लिक्विड जो है वो डिफ्यूजन शो करेंगे। डिफ्यूजन में कोई रिक्वायरमेंट्स कैरियर प्रोटीन्स का नहीं होता है। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन जो है एनसीईआरटी में, वह है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस टर्म को अब हम लोग समझेंगे, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, इसमें पहला है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स की आवश्यकताएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कैरियर प्रोटीन होता क्या है। कैरियर प्रोटीन जो है यह ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने वाले एक तरह के प्रोटीन होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स हैं GLUT1, वो क्या करेंगे, तो वो एनिमल के सेल मेम्ब्रेन्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लूकोज का, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जैसे साइटोक्रोम्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो भी एक कैरियर प्रोटीन्स है, वो क्या करता है, तो उसका फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का कैरियर करना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है उसका, तो वही होता है कैरियर प्रोटीन्स। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स का हेल्प लेना जरूरी होता है। वही डिफ्यूजन में हम लोग बात किए थे, तो वहां पे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है कैरियर प्रोटीन्स का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रिक्वायरमेंट्स होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बात करें तो नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यह भी एक पैसिव प्रोसेस है। अगर एनर्जी नहीं लगा तो वो पैसिव प्रोसेस, और अगर एनर्जी लगेगा तो वो एक्टिव प्रोसेस। तो एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, तो यह भी एक पैसिव प्रोसेस है। इसका भी जो मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन का जो मूवमेंट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, वो हायर टू लोअर में है, तो पैसिव जो भी रहेगा, टर्म का मतलब है कि हाई से लो में, ज़्यादा एनर्जी से कम की तरफ। तो इसका भी जो मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वो कैसे होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यह भी डाउनहिल मोमेंट शो करेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे सैचुरेशन इफेक्ट की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, सैचुरेशन इफेक्ट शो करता है। सैचुरेशन इफेक्ट क्या है, नंबर ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स डिसाइड रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो सैचुरेशन इफेक्ट उसको कहते हैं, वैसे कैरियर मॉलिक्यूल्स, जितना ज़्यादा कैरियर मॉलिक्यूल्स रहेगा या जो भी कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। जैसे यहाँ पे बात किए थे कि कैरियर प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं, तो ये भी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितना ज़्यादा कैरियर मॉलिक्यूल्स रहेगा वही उस रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिसाइड करेंगे कि कितना तेजी से होगा कि कितना धीरे होगा। तो हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, तो यह ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर का नेम है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में, प्लांट सेल में होता है, तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा उसके पास पोरिन्स होगा। पोरिन्स मतलब कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं,
अब इस पोरिंस के पास एक्वा पोरिंस होते हैं, तो एक्वा पोरिंस मतलब एक्वा टर्म से हम लोग समझ सकते हैं कि वाटर की बात हो रही है, तो वाटर वाले पोरिंस होते हैं जहां से वाटर मूव आउट होते हैं। यह एक्वा पोरिंस जो होते हैं 8 प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और यह एक्वा पोरिंस वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। वही यहां पे मेंशन किया गया है कि एक्वा पोरिंस यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव पोरिंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं पोरिंस होते हैं, और इस पोरिंस के आगे होता है एक्वा पोरिंस जो कि 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने होते हैं और यह ट्रांसपोर्ट वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों का सारा क्लियर होगा। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का कुछ हम डायग्राम से देख लेंगे कि इसको कैसे समझते हैं आसानी से, कैसे होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस। तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का डायग्राम बताया गया है जो कि NCERT में आपको ये है, यही है, उसी को हम यहाँ पर बताए हैं अपने रिवाइज्ड नोट्स में कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सिम्पोर्ट क्या होता है, सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। तो सिम्पोर्ट मतलब कि एक ही दिशा में दोनों मॉलिक्यूल्स अगर मूव करे तो उसको कहेंगे सिम्पोर्ट डिफ्यूजन है, सिम्पोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। जिसका एग्जाम्पल होता है Na+, मतलब कि सोडियम आपका और ग्लूकोज, सोडियम और ग्लूकोज जो होता है प्लांट्स में वो सिम्पोर्ट मूवमेंट करता है यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस को शो करता है। और फाइनली ये क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यह सिम्पोर्ट मूवमेंट करता है। अगर बात करें दूसरा एंटीपोर्ट, मतलब कि एक सेम दिशा में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा जो है उसका उल्टा दिशा में जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल सीधा जाएगा और दूसरा उसके उल्टा में जाएगा, तो वो हो गया एंटीपोर्ट। एंटी मतलब कि अपोजिशन, मतलब कि विरुद्ध, विरुद्ध दिशा में जाएगा, तो वो किस क्या चीज में शो करेगा H+ वाटर और K+ पोटेशियम में, यह एंटीपोर्ट शो करता है। होता कब है तो जब एस्टोमाटा का ओपनिंग होता है, एस्टोमाटल ओपनिंग, तब ये शो करेगा एंटीपोर्ट। तो एंटीपोर्ट कब होगा H+ और K+ जो एंटीपोर्ट शो करता है वो कब, ड्यूरिंग एस्टोमाटल ओपनिंग। अब यूनिपोर्ट है, यूनि मतलब एक होता है, केमिस्ट्री में आप लोग एकदम जानते होंगे। यूनिपोर्ट क्या होता है, यूनि मतलब होता है एक, मोनो या यूनिटर्न किया जाता है एक के लिए, तो यूनिपोर्ट एक ही डायरेक्शन में जब सारा मॉलिक्यूल्स मूव करे तो उसको क्या कहते हैं यूनिपोर्ट। तो यहां पे यूनिपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके लिए है, फ्रक्टोज के लिए। इसका एग्जांपल क्या है, फ्रक्टोज है जो कि एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और फाइनली लास्ट में यह कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। हम लोग बात किए डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होता है, तो दोनों में बेसिकली अगर हम लोग कॉमन बात करें तो क्या आया कि दोनों का दोनों जो है पैसिव प्रोसेस है। पैसिव बोले तो बिना कोई एनर्जी के एक्सपेंडिचर का यह दोनों प्रोसेस हो जाता है, मतलब कि सस्ता प्रोसेस है, या बोले तो इसमें एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें जिसके पास कम एनर्जी है या जिसमें एनर्जी कोई खर्चा ज़्यादा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा। तो डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। अगर यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे जहां पे एक्टिव प्रोसेस होता है तो वो क्या होगा, फास्ट होगा। अगर हम लोग के अंदर एनर्जी होता है तो हम लोग कितना दौड़ लेते हैं, एकदम तेजी से दौड़ेंगे। मिल्खा सिंह जो स्प्रिंटर थे, सारे ऐसे लोग आस पास होंगे जो स्प्रिंटर है, एकदम फाइनली लास्ट में जो एनर्जी बचता है वो उसको पूरा लगा देते हैं। तो एनर्जी जब सेव करके रहेंगे, एनर्जी रहेगा तो क्या करते हैं, बहुत तेजी से प्रोसेस होता है, और अगर एनर्जी कम रहता है तो बैटरी डाउन। तो यही समझना है कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है एक स्लो प्रोसेस है, मतलब कि इसमें एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है, कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कि प्लांट्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये रहा, तो हम पहले ही बताए हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें एनर्जी खपत होगा, एक्टिव है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे तो आ गए थे डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं, अब ग्राउंड फ्लोर से हमको फर्स्ट फ्लोर पे फिर से जाना है, कोई काम पड़ गया है, अब हमको जाना है फर्स्ट फ्लोर पर, तो क्या करेंगे, अब सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा,
तो जब सीढ़ी ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो क्या लगता है, इनर्जी लगता है, ऊपर जाने में हम लोग ज़्यादा थकते हैं और नीचे आना हो तो कम थकते हैं। तो यही बात है कि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये जो मूवमेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो नीचे से या कम से ज़्यादा की तरफ होता है, लोअर टू हायर, मतलब कम से ज़्यादा की ओर होगा तो इसको अपहिल बोल सकते हैं, तो या अपहिल ट्रांसपोर्ट इसको बोल सकते हैं, या अपहिल रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अपहिल ट्रांसपोर्ट है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप्स का जरूरी होता है। यह पंप्स क्या करता है, तो जो इनर्जी रहता है, इनर्जी का खपत कहाँ होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो यही पंप्स इनर्जी का खपत करता है। इनर्जी स्पेंडिंग प्रोटीन्स, इसके पास क्या होता है, इनर्जी को स्पेंड करने वाले कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनर्जी को खपत करेंगे। यह सैचुरेशन इफेक्ट को शो करेगा। रेट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ पंप्स। तो यहाँ पे सैचुरेशन इफेक्ट क्या चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है, कितना नंबर ऑफ पंप्स है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पंप्स रहेगा उतना ज़्यादा सैचुरेशन इफेक्ट को शो करेगा, उतना ही ज़्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कि उतना ही तेजी से होगा। इनहिबिटर इफेक्ट, तो यस इसमें इनहिबिटर इफेक्ट भी होता है। कि लास्टली ये जो पॉइंट है, फास्ट प्रोसेस एज कंपेयर टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से यह ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। तो डिफ्यूजन क्या था, उसमें एनर्जी का खपत नहीं होता था, उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं रहता था, इसलिए वह स्लो प्रोसेस था। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि इसमें एनर्जी होता है, एनर्जी का खपत होता है, तो यह क्या होगा, उससे ज़्यादा फास्ट होगा। आज हम लोग इतना ही बात करेंगे। ये तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का तीनों टॉपिक हम लोग देख लिए, तीनों पॉइंट देख लिए, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे का वीडियो में आगे की बात करेंगे हम लोग, प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें।